नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद पाया काबू। जालंधर के मिशन कंपाउंड में सीवरेज रिपेयर करने गई गाड़ी 4 फुट जमीन में धंसी, लोगों ने निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। गत दिनों पट्टी क्षेत्र में हुई घटना को लेकर मसीही भाईचारे ने आईजी बॉर्डर रेंज के साथ की मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में एक केमिकल फैक्ट्री में गत दोपहर भीषण आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है, जिसकी जांच अभी जारी है। वहीं आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक ने मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में केमिकल के ड्रम पड़े थे। अगर आग बढ़ जाती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल इस आगजनी में किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। धमाका होया, सारे घर जोर पे कंधा ना लगदिया ने, इन्हें बंद नहीं की। बड़े चिर तू मंग सी फैक्ट्री बंद हो जाए, तो स्टे लैके फैक्ट्री चला रहे। तो जिन्हें भी धमाका होया जदों सारे सिलेंडर लैके आप अपने घरों बहर भजे ने, तो बहुत मुश्किल हुई है। सारा महला बहर भज गया। बड़ा विरोध किया कि इन्हें विरोध किया ही, बंद भी रही है 6 महीने। उस तो बाद फिर चल। हाँ जी, वो मुंडा सी जिन्हें रिपोर्ट लवाई सी या बयान लगांदा ही उदे ते होया सी। उन्हें 5-6 मुंडे पै के उन्हें ते उदे कुटमार करके गए ही। कंसर्न डिपार्टमेंट का काम है, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਢਾਬ ਸਿਰਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਧੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਢਾਬ ਸਿਰਾਮ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, जिसके चलते एक बार फिर से नगर निगम के अधिकारियों की ओर से किए गए कामों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले बनाई गई सड़कें धंसनी शुरू हो चुकी हैं और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां उनमें समा रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, नगर निगम द्वारा बनाई सड़क में नगर निगम की ही गाड़ी समा गई। जालंधर के आदर्श नगर इलाके के मिशन कंपाउंड क्षेत्र, जहां पर सीवरेज को रिपेयर करने का काम चल रहा था, इस दौरान अचानक सीवरेज ठीक कर रही गाड़ी सड़क में धंसनी शुरू हो गई और देखते ही देखते गाड़ी 3 से 4 फुट जमीन में धंस गई। इलाका निवासियों के मुताबिक लगभग 1.5 साल पहले बनाई गई सड़क ने नगर निगम प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। इसके साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार की कारगुजारी भी सामने आ गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम निखिल लड़ाई, वार्ड नंबर 18 के मैं आम आदमी पार्टी वालों। सर, इतने 1.5 साल पहल 1.5 साल पहला एक सड़क इतने बनी है, जी आई सड़क बनी है मिशन कंपाउंड दर्शनगर जी जाती हुई सड़क। इतने के नुमाइंद ने अपना मंगा के गड्डी मंगा के गड्डी धस गई है, जी सड़क के गड्डी धस गई है, जिसे करके कोई जानी नुकसान तो नहीं चलो हो, पर सड़क जी है इतों पता लगता है कारपोरेशन के कारनामे, नगर निगम के कारनामे तो पता लगता है आप कम करते हैं, किन्नी मिलावट है की ये कुछ है। दर्श नगर ब्लॉक से 18 नंबर वार्ड। हाँ जी, सीवरेज खोलने वास्ते इतने गड्डी लैके आए तो की गलबात की हुई पे थी? इतने अचानक इस तरह से वैसे अगे भी किसी वेले हो जाता जो सड़क के थले कोई प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत या खोली हो जगह गड्डी भारी होती है तो बैठ गई। कितनी देर हो गई गड्डी फसिया? गड्डी कोई घंटा हो गया क्योंकि गड्डी का निगम
ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 88 ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਖਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਖਲ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੁੰਮਦਾਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ भारत एक बहुधर्मी देश है और इस देश में हर एक नागरिक को अपना धर्म मनाने की इजाज़त इस देश का कानून देता है लेकिन फिर भी अमृतसर में कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसने कि सबको चिंता में डाल दिया है जी हाँ पिछले कुछ दिन पहले अमृतसर के डडुआना गांव में निहंग सिंहों और मसीही भाईचारे के बीच विवाद होता है जिसके बाद गत दिनों पट्टी में एक चर्च के बाहर चर्च की मूर्तियों को तोड़कर उसकी बेअदबी करने का भी मामला सामने आया है जिसके बाद समूचे मसीही भाईचारे के बीच रोष की लहर पाई जा रही है जिसके चलते मसीही भाईचारे की ओर से अमृतसर में आईजी बॉर्डर रेंज के साथ मुलाकात कर उन्हें अपनी मुश्किलें बताई और एक मांग पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ बनती कार्यवाही की मांग की इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मसीही भाईचारे के लोगों ने कहा कि गत दिनों जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से दिए गए बयान के बाद से ही माहौल खराब होता दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगे हैं कि वे लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं उन्होंने कहा कि उनके पास तो अपने मसीही भाईचारे के लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के पैसे भी नहीं हैं तो वे किसी अन्य धर्म के लोगों को पैसे कैसे दे सकते हैं वहीं मसीही भाईचारे के नेताओं ने कहा कि जानबूझकर मसीही भाईचारे को बदनाम करने की सोची समझी साजिश की जा रही है जिसके चलते वह बॉर्डर रेंज अमृतसर आईजी के पास पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि बॉर्डर आईजी रेंज ने यह विश्वास दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अज पंजाब दी सारियां वख-वख जथेबंदियां जिन्हें साडे मसीही भाईचारे दे लीडर ने सारे अज आईजी साहब को असीं पहुंचे हैं और असीं यह विश्वास करते हैं भी प्रशासन साडी गल जरूर सुनेगा पिछले दिनों तुसीं देखिया भी डडुआना पिंड जिदा निहंग सिंघां वल्लों उत्थे दहशत दा नंगा नाच जिहड़ा कीता गया और असीं बेनती भी करते हैं तुहाडे माध्यम राहीं अकाल तख्त दे जथेदार साहब नूं भी जे कोई तुहानूं लगता भी साडे जिहड़े बंदे कोई तुहानूं जिहड़ी गल नहीं चंगी लगती इदां दी कोई धर्म परिवर्तन दी साडे नाल बैठ के गल करो धर्म परिवर्तन नहीं हुंदा मन परिवर्तन हुंदा अज्ज वी कोई इदां दा केस कोई दिखा दिओ भी जिथे साडे बंदिआं ने जबरी धर्म परिवर्तन कीता गया ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਡੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੱਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਚਰਚ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें बलवीर सिंह राजोवाल ने कहा कि किसान भाइयों द्वारा मीटिंग की गई है जिसमें उन्होंने पंजाब के कई मुद्दों पर विचार किया है विशेषकर जो पानी कम होता जा रहा है उसे लेकर सभी ने गंभीरता जताई और कहा कि जल्द ही सभी किसान जथेबंदियां मिलकर इस पर रणनीति तय करेंगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ओर कोई भी अधिकार नहीं है कि वे किसी भी तरह के पानी का समझौता करें वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ उनका कोई भी तनाव नहीं है और वे दोनों बैठकर पानी को बांट लेंगे व इस मसले का हल निकाल लेंगे
लेकिन जो बहुत सारा पानी राजस्थान को जा रहा है वह गलत है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिसके साथ हमारी दुश्मनी है उससे भी बहुत सारा पानी हमारी तरफ से दिया जा रहा है, जिस वजह से पंजाब में पानी का संकट खड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में यह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त समाज मोर्चे की मीटिंग हुई है वर्किंग कमेटी की, वो पंजाब की स्थिति बारे विचार की। असी भविख में एक पानिया के मसले के उत्ते किसान जथेबंदियों रल के एक एजुटेशन करने वाले हाँ, और स्थिति यह है भी पानी का लैवल हेठा धरती हेठला पानी मुक रहा है या पोल्यूट हो गया। तो लोगों को एक रिपोर्ट है भी 2025 तो बाद दो तिहाई आबादी जी है दुनिया की वो पीण वाले पानी तो तरसेगी, 125 करोड़ लोग पीण वाले पानी को तरसणगे। और पंजाब की पंजाब जी का नौ ही पानी के उत्ते पिया पंजाब, वो हालत यह है भी अज जिथे भी तुसी देखो जिथे पानी है वो सारा पोल्यूटेड है, कैंसर वर्गिया भयानक बीमारियां जिहड़ियां फैल रही ने। ते सरकार नूं चिंता नहीं, किसान फाजिलका दे विच किसान बैठे ने गंगानगर वाली सड़क रोकी, उन्होंने पिछले जद गर्मी के दिनों में जदों बारिश नहीं हुई उन्हां दी नहर का पानी बंद कर दिता गया, उहदे नाल सारी बैल्ट जिहड़ी बाग सी सारे उत्थे उन्हां दे बाग सुक गए। वो मंग करते हैं भी इहदी असैसमेंट करके सानू मुआवजा दिओ। सरकार लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी पंजाब की नहीं सुधरी, नशे भी उस तरह चल रहे हैं, तो सरकार तो लोग मायूस हो गए। इस करके असी सारी स्थिति कोकिया और कहा भी सारे फील्ड में जाओ जाके तैयारी करो वड्डे अंदोलन की, जिहड़ा पानी का अंदोलन असी करना है पंजाब के पानी का अंदोलन। पंजाब सरकार तो मंग होएगी भी साडा जिहड़ा पानी है वो जिनी एलोकेशन वह तो पूरा करो, केंद्र सरकार तो होएगी भी तुसी पानी स्टेट सबजैक्ट है, संविधान की सैवंथ शड्यूल स्टेट लिस्ट 17 नंबर से दर्ज है। केंद्र सरकार नू ना सुप्रीम कोर्ट नू कोई अधिकार नहीं पानी के मसले से दखल देन दा, साडा उहदे नाल कोई मतलब नहीं। तुसी कहने भी सरकार कादे वास्ते हुंदी है, 72 करोड़ रुपया किड्डी वड्डी अमाउंट है, साडा 2.25 लाख करोड़ का बजट है, इहदा मतलब 15,000 करोड़ रुपया महीने का बजट है, 72 करोड़ रुपया नहीं सरकार दे सकती, बाद सरकार उहदी जिहड़ी हैगी जायदाद नू कुर्क करी जाए जी सदके करे। असीं कदों कहने आ सरकार अपनी ड्यूटी फिर इतने फिर सरकार गलत है, जिहड़ा शुगर केन एक्ट है वो कहिंदा है भी 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी लाजमी है, जिहड़ा शुगर केन कमिश्नर है उसकी ड्यूटी होंदी है उन्होंने नोटिस दिंदा, जदों 15 दिन लंघ गए सी उदों इत्थे सी भी भाई तुसीं पेमेंट क्यों नहीं की हुण तुहानूं विद इंट्रस्ट करनी पऊ, फिर उन्होंने उत्थे ही फड़े जाना सी, वो तो उन्होंने किया नहीं अपनी ड्यूटी निभाई नहीं। रियात बहारा यूनिवर्सिटी की ओर से पहले सेमेस्टर से शुरू होने वाले मौजूदा अकादमिक सेशन के लिए LNT एजुटेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU पत्र पर मार्केटिंग हेड डोमेस्टिक संजीव शर्मा, एरिया मैनेजर चंडीगढ़ और दिल्ली विशाल वासवानी और LNT एजुटेक और RBU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर परविंदर सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर रियात बहारा यूनिवर्सिटी के चांसलर गुरविंदर सिंह बहारा भी हाजिर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियात बहारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की विलक्षण विशेषता अपने विद्यार्थियों को अपने अकादमिक कोर्स पास करने से पहले ही रोजगार के लिए तैयार करने की वचनबद्धता देता है, जिसके साथ विद्यार्थियों की प्लेसमेंट में मजबूत स्थिति बनती है और हस्ताक्षर किए गए MOU भी इस दिशा में एक कदम है। कुराली से हलचल के लिए अश्वरी गोड़ की रिपोर्ट। और उन्होंने ना होर भी कई रस्ते स्टूडेंट के खुलेंगे, जिमें असं सोच रहे हैं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं वो अपनी जो LNT की स्टैंप लेके जाएंगे अलोंग विद रियात बहारा, मैं लगता है कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होने चर्चित है। हर एक प्लेटफॉर्म पे हम बोलते हैं कि बच्चे इंस्टीट्यूट से आते हैं वो इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है, उसका कारण क्या है? नॉलेज तो वो लेके आते हैं लेकिन अनुभव मिसिंग होता है। LNG ने ये इनिशिएटिव किस लिए लिया है कि ये ब्रिज जो एकेडमी और इंडस्ट्री की ये कम कैसे की जाए और हर बच्चे को काबिल कैसे बनाया जाए एप्लीकेशन में, और उसको बिजनेस एंगल की जो कोर्सेज है उनको रियल प्रॉब्लम से कैसे फेस कराना LNT ने उसमें इनिशिएट किया। सो LNT नाल साडी बड़ी लंबे टाइम तो गलबात चलदी सी कि अगर तुसी 3 ब्रांचां नूं चाहुंदे आ इंडिया दे विच रह जाण ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਪ ਟੂ 8th ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ
एलएनटी भी अपना प्रॉपर जिहड़ा करिकुलम ऐड करूंगी ते साडी यूनिवर्सिटी भी अपना काम करूंगी नाल नाल इन्हां दे प्रोफेसर भी बच्चों नूं पढ़ाऊंगे ते साडे टीचर भी पढ़ाऊंगे। बठिंडा पुड्डा की तरफ से बठिंडा से 12 किलोमीटर दूर गांव कोट शमीर में लगभग 100 से ज़्यादा एकड़ जमीन पर सरकारी कॉलोनी काटी गई है। इस दौरान पुड्डा की तरफ से शहर वासियों से एप्लीकेशन ली जा रही है जिसका ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें इस जमीन का रेट 12,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से रखा गया है, जिसे लेकर बठिंडा निवासियों में काफ़ी उत्साह पाया जा रहा है और सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइनों में लगकर अपनी एप्लीकेशन भर रहे हैं। इस संबंध में पुड्डा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बठिंडा शहर को चंडीगढ़ जैसा बनाया जाएगा और लोग चंडीगढ़ से बठिंडा रहने के लिए आया करेंगे। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। असी नवी स्कीम लैके आ रहे हैं जी, अर्बन अस्टेट फेज 6 ते फेज 7 जी। पहला अर्बन अस्टेट 6 तो शुरू करांगे, उस तो बाद असी फेज 7 वाल प्रोसीड करांगे। फेज 6 च साडे कोले तकरीबन 71 एकड़ दी लैंड पुलिंग पॉलिसी तहत जमीन इकट्ठी हो चुकी है। असी उहदे लई एक डिमांड सर्वे कॉल किया है जी, जिहदी पब्लिक वालों पर पूरी रिस्पोंस सानू प्राप्त हो रही है। ये तकरीबन 4,500 रिक्वेस्ट और डिमांड सर्वे आ चुके हैं जी। प्रति एप्लीकेशन अभी 5,000 रुपया लै रहे हैं। जोड़े लोग डिमांड सर्वे हिस्सा लै रहे हैं इन्हों प्रेफरेंस तौर पर इन्हों की जी डिमांड भी मानेंगे। बास्केटबॉल वॉलीबॉल कोर्ट की प्रोविजन हैगी है, उत्तर आप टेनिस कोर्ट तो बैडमिंटन का भी लेके आ रहे हैं। इस तो अलावा जी लेक है जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंडियन क्लासिकल डांस म्यूजिक और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बनाई गई स्पिक मैक के संस्था के संस्थापक और पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ की ओर से 15 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर अंत यात्रा की जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज में महात्मा गांधी जी के संदेश सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का प्रसार करना है। इसी संदर्भ में स्पिक मैके जालंधर चैप्टर के सदस्यों की ओर से डॉक्टर किरण सेठ का जालंधर पहुंचने पर पंजाब प्रेस क्लब में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर किरण सेठ से जब पूछा गया कि वह इस उम्र में भी ऐसे करने की योजना कैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सब कुछ योग के कारण संभव हुआ है जो वह बचपन से करते आ रहे हैं। योग ने उन्हें इस उम्र में भी ऐसा काम करने की क्षमता दी है और वह साइकिल को ध्यान मुद्रा में लेते हैं, ना कि केवल एक गतिविधि और व्यायाम के रूप में। इस मौके पर अनुराधा सोंधी, सुमन सहित स्पिक मैके के जालंधर चैप्टर के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैंने यात्रा शुरू करी श्रीनगर से 15 अगस्त को, और कोशिश ये है कि 2 अक्टूबर को मैं राजघाट दिल्ली पहुंचूं, और कोशिश ये है कि 31 दिसंबर के करीब करीब मैं कन्याकुमारी तक पहुंच जाऊं। और इसका उद्देश्य मैंने बताया है कि हम 3 उद्देश्य हैं। एक पहला उद्देश्य ये है कि साइकिलिंग तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मन के लिए बहुत अच्छा है, और ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तो पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम जो स्पिक मैके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, ये हम स्कूल और कॉलेजों में ले जा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरा उद्देश्य। और तीसरा उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी के जो उच्च सोच की और साधारण जीवन, ये भी तीसरा उद्देश्य है। हाँ, पहले मैं गया था, अभी मार्च में मैं गया था राजघाट दिल्ली से साबरमती आश्रम अहमदाबाद राजस्थान होते हुए, और वहाँ साबरमती आश्रम से वापस आया मध्य प्रदेश होते हुए उज्जैन से वापस दिल्ली राजघाट 2500 किलोमीटर। नहीं जी, तकलीफ तो आएगी। देखिए क्या होता है, तकलीफ तो लाइफ में, ज़िंदगी में तो आता ही है, पर साथ साथ एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कई बार ऐसे लगता है यार आज नहीं साइकिल करना, थक गए हैं,
पर तब भी उठ करके जिला तरन तारण के क्षेत्र पट्टी में गत रात्रि चर्च में हुए घटनाक्रम को लेकर जालंधर में सभी कैथोलिक चर्च के पादरियों की ओर से जालंधर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर पुलिस कमिश्नर को एक मांग पत्र दिया गया। इस दौरान उन्होंने गत रात्रि पट्टी में हुए घटनाक्रम को लेकर अपनी मांगे रखी। इस मौके पर मांग पत्र देने पहुंचे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने कहा कि पुलिस द्वारा राज्य के सभी चर्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है और आने वाले समय में ऐसी कोई भी अनहोनी घटना ना हो उसके लिए पुलिस भी कड़े कदम उठा रही है। इस मौके पर बिशप हाउस के पादरी फादर एंथनी ने बताया कि गत रात्रि तरनतारण के पट्टी क्षेत्र में जो घटना घटी है वह निंदनीय है, जो कि देश में अशांति का माहौल पैदा कर रही है। उनकी ओर से पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र दिया गया है ताकि ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो सके, इसके लिए राज्य के सभी चर्चों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को जालंधर के सभी चर्चों में देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाएगी और उसके अगले दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज असी पंजाब दे खास तौर ते जालंधर दे हर चर्चां दे विचों कैथोलिक चर्चां दे विच नुमाइंदे इत्थे डीसी दफ्तर दे विच आया ते पुलिस कमिश्नर भी मिला ते आज असी एक मेमोरेंडम पेश किया है। यह मेमोरेंडम डीसी साहब के जरिए साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री नूं देण दे लई इहदे विच असी यही मुद्दा उठाया है। खास तौर पर जो कल साढ़े पट्टी कैथोलिक चर्च के विच होया उस गल्लां दे असी खंडन करते हुए प्रशासन वालों अते सरकार वालों इहदे लई कार्रवाई करन दे लई असी बेनती करते हुए यह मेमोरेंडम पेश किया है। आप सबको पता जिस तरीके दे नाल चर्च के विच हमला होया, साढ़े फादर साहब का गाड़ी जलाया, ये सब साढ़े पंजाब दे जो धर्मां दे विच जो भाईचारा है, अमन अते शांति है, उस माहौल नूं खतम खराब करन लई कुछ व्यक्तियां दी कोशिश है। असीं इस नूं मूंह तोड़ के जवाब देना चाहीदा अते सरकार अते प्रशासन इस तरह दीआं बंदियां नूं कानून दे मुताबिक उहनां नूं सज़ा देना चाहीदा है। असीं जो घटना वापरिया उसके खिलाफ उसने खंडन करते हुए अज सारे कॉन्वेंट स्कूलां नूं बंद किया है ते कल दा दिन असी सारे चर्चा में प्रार्थना रखिया है। तां कि असी विश्व शांति दे लई भाईचारे दे लई प्रार्थना करना, क्योंकि असी हमेशा शांति दा मार्ग रस्ते ते जांदे हैं। ते परसों असी शहर दे विच एक कैंडल मार्च रखना है तां कि सारे लोग इस तरह दीआं बुरीआं गल्लां नूं खंडन करन अते सारे धर्म भाईचारे दे विच शांति दे विच रहन, यही संदेश असी देना चाहते हैं। नुमाइंदे है ने जलंधर शहर के साढ़े को इतने आए हैं जी, उन्होंने डीसी ऑफिस तो कमिश्नर ऑफिस के भी सानू इन्होंने मेमोरेंडम दिता है तो असी इन्होंने विश्वास दवाया कि जी सेफ्टी सिक्योरिटी है वो पूरी तरह मेनटेन की जाएगी। तो जरा सा वालों भी इन्होंने बेनती की गई है कि जो सारा अपना पंजाब का भाईचारा शहर का भाईचारा उन्होंने मेनटेन कर जरा कैंडल मार्च के संबंधी असं हम बैठ के गल कर लें जी तो वो बारे थोड़ा बाद विस्तार से बोलते एक चाहिए भी मीटिंग के गल होगी है जो साढ़े पीसीआर वहीकल्स है उन्होंने असं स्पैसीफिकली डायरैक्ट कर दिया गया कि पूरे अपने एरिए जी चर्चिज उन्होंने एरिए पैदा ने उन्होंने प्रॉपर असं टाइम टू टाइम चैक कर। बरार डोगरा वेलफेयर सोसाइटी भार्गव नगर जालंधर की तरफ से रोशन लाल कम्युनिटी हॉल में सभा द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क सिलाई स्कूल केंद्र में पास हुई लड़कियों को प्रमाण पत्र और गरीब लड़कियों को सिलाई मशीनें दी गई, जिसमें बरार बिरादरी ने होनहार छात्राओं को पुरस्कार दिए। इस मौके पर पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर एससी डिपार्टमेंट जालंधर के चेयरमैन राजकुमार राजू, प्रवेश तांगड़ी, सुनील कुमार तरसेम लखोत्रा, प्रधान सुरजीत बावा, मदन सिंह, यशपाल भोला, पंडित चरणजीत बब्बी, तिलकराज बनारसी दास, राजकुमार कुंडल, अर्जुन बरार, सुनील कुमार भी मौजूद रहे। लोग जिहड़े कि एक समाज के लिए चानन मुरारा एक मैसेज है जिहड़े उन्होंने अज बराड़ डोगरा वेलफेयर सोसाइटी ने इतने बुला के उन्होंने सम्मानित किया और उन्होंने इनकरेज किया और सारे समाज के जिहड़े नौजवान जिन्होंने अगों समाज की और इस देश की और अपने शहर की जिहड़ी बागडोर संभालनी है उन्होंने मोटीवेट करन दे लई अज दा जिहड़ा उपराला किया मैं समझना कि बहुत काबिले तारीफ है। और क्योंकि किसी नूं एप्रीशिएट करना ये जिहड़े पल है ये जिहड़े क्षण है ये इंसान नूं जिंदगी भर जिहड़े याद रहिंदे है और इन्हां आशीर्वाद दे नाल जिहड़ी है बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है और
जिहड़े समाज नूं जिन्हां ने अगे लै के जाणा वह होर ज़्यादा जी है समाज के लिए अपने अपने खेत्र जी मेहनत करते हैं। अज का प्रोग्राम भारत कैंप रोशनल पार्क के बराड डोगरा वेलफेयर सोसायटी वालों मनाया गया है। इन्हों का बहुत वधिया सोच है, जिनी भी टीम है प्रधान पी एस बाबा जी साढ़े महापुरुष भोला जी राजकुमार जी पंडित चरणजीत बब्बी बहुत वधिया प्लान है इन्हों का। इन्होंने पिछले दो साल पहला एक सिलाई सेंटर खोलिया और जिहड़ियां बच्चियां नूं ट्रेनिंग दी गई उत्थे ट्रेनर रखे ने, ट्रेनिंग के नाल नाल जिन्होंने सर्टिफिकेट दे के जिन्हें कोर्स पूरे हो गए हैं, जिन्हों को घरों कमजोर से उन्होंने मशीन दे रहे हैं, इन्हों का बहुत वधिया पल है। जिहड़े काम सरकार को करने जाते पैने चाहिए ने वह बराड़ डोगरा वेलफेयर सोसायटी कर रही है। पंजाब में लगातार ही माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अमृतसर के गांव डडुआना में मसीही भाईचारे और निहंग सिंह जत्थेबंदियों में हुए टकराव के बाद लगातार स्थिति तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। वहीं गत दिनों पट्टी में भी शरारती तत्वों द्वारा गिरजाघर में पड़ी मूर्तियों को खंडित कर बेअदबी की गई, जिसके बाद अब क्रिश्चियन भाईचारे के पक्ष में अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ओजला उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में गुरजीत सिंह ओजला ने अकाली दल पर इस सारी घटना का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि श्रोमणी कमेटी जो कि बादल परिवार के चुनावों के दौरान पैसे और फंड खर्चती थी, उनकी ओर से सिक्खी व सिक्खी के प्रचार के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जत्थेदार साहिब की ओर से जो बयान दिया गया है वह भी सरासर गलत है, जिस कारण लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी की ओर से सिर्फ एक ही काम किया गया है और एक ही परिवार को प्रफुल्लित करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सिक्खी का प्रचार बढ़िया ढंग से किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। को बहुत मंदभागी गल है और बहुत गलत गल है, मैं इसकी निंदा करता हूं क्योंकि असी तो सैकुलर धर्म है, सिख ते जिहड़ा है सिख धर्म के कितने भी कट्टरवाद तो उन्होंने जगह नहीं हैगी और साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के किनिया बाणिया दर्ज ने, किन्ने भट्ट ने, किनिया जातां दियां बरादरी दियां। गुरु नानक देव जी ने जिहा धर्म चलाया कि जिहड़ा एक निचोड़ सी समुची मानवता का, आपां उत्तों पासे हुंदे जा रहे हैं। और सब तो वड्डी गल है, दुख इस गल का है कि जहेदार साहब भी इहो जे बयान दे रहे हैं। मैं जहेदार साहब नूं बेनती करनी चाहुंदा है कि तुसीं साडे सर्वोच्च जे बेनती करनी चाहुंदा है कि तुसीं इह ध्यान दो कि इह होया क्यों आ, ये प्रचार साडा घटिया क्यों आ, तुसीं प्रचार वधाउण दी गल करो, तुहाडे कोल इन्ना बजट है तुसीं प्रचार वधाया क्यों नहीं, सिर्फ एक परिवार नूं वधाया बादल परिवार नूं, उस तों इलावा कोई काम ही नहीं कीता। तुसीं इस गल की चिंता करो कि हर पिंड दे विच बहुत वधिया वधिया गुरु घर बने ने, उन्हां गुरु घरां तक साडे गरीब लोग जां साडे जिहड़ी नौजवान पीढ़ियां क्यों नहीं पहुँच रही। उत्थे एक क्रिश्चन भाईचारे दा कोई छोटा मकान जां कोई छोटी जगह दे विच बंदगी करदे ने, हफ्ते हफ्ते उत्थे सैकड़े तादाद च लोग पहुँचदे ने, इहदे च चिंता करो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बंदी सिंहों की रिहाई के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बातचीत करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि उम्र कैद से अधिक सजा भुगतने के बावजूद भी कई सिख कैदी अभी भी देश की जेलों में बंद है और सिख भाईचारे उनकी रिहाई चाहते हैं, इसलिए शिरोमणि कमेटी के वफादार को मुलाकात का समय दिया जाए। एडवोकेट धामी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन 9 सिख कैदियों का जिक्र भी किया गया है जो लंबे समय से सजा भुगतने के बावजूद रिहा नहीं किए गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले लंबे अरसे तो सिख कौम दे भावना नाल जुड़े हुए जिहड़े सिख कैदी वख-वख जेलां दे विच बंद आ, उन्हां दे बाबत सारी कौम दीआं वख-वख जथेबंदियां भी पैरवी कर रही, वख-वख जिलों के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर से असी मैमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहबान दिते सी, हुण सारे मैंबर साहबान जिला वाइज मीटिंगां करके कल्ले कल्ले दे व्यू लै के वो असी कल जनरल हाउस की मीटिंग सदी आ जिहदे समुचे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान पहुँचणगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
जालंधर कैंट के अधीन आते दीपनगर में पड़ते शिव एनक्लेव और पार्क एवेन्यू और लैम्बर कॉलोनी में लोग पिछले काफ़ी समय से सीवरेज बंद की समस्या से परेशान थे और वह इस संबंध में नगर निगम से कई बार कह चुके थे, पर उनकी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा था, जिसके चलते वह प्रसिद्ध समाज सेवक अजय पीवल से मिले, जिसके बाद अजय पीवल ने उक्त स्थानों पर पहुंचकर सीवरेज की सफाई करवाकर लोगों को उनकी समस्या से राहत दिलाई, जिसके बाद सभी इलाका निवासियों ने समाज सेवक अजय पीवल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पीटर पॉल, मनीष, रोहित चड्डा, सतबीर राणा, अंकित बाबूराम, अजीत सिंह और भरत अरोड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज सीवरेज का जो गंद लोगों ने मैंने बहुत कंप्लेंट आई कि भाजी साढ़े नरक देखो की हाल है, इस नरक न सही कराने लिए अज दीपनगर से सफाई विमान चलाया जा रहा, सीवरेज के सारे ढक्कन खुलाए जा रहे हैं, पार्क एवेन्यू, शिव इनक्लेव और लंबर कलोनी के जो खेतों चो आता उच्चे सारा सफाई विमान चलाया जा रहा। घट्टो घट्ट 5-7 बंदे टीम लवाई है कि जेडे 2 दिनों च पूरा दीपनगर का सीवरेज साफ किया जाए। माँ बंगला मुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए माँ भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि आज हर मानव दुखी ही दिखता है, इसका कारण हमारी भौतिकवादिता है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि संसार की हर वस्तु और पदार्थों को प्राप्त कर लेने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस संसार में दिखने वाली हर चीज का अंत अवश्य होता है। इस दौरान इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, विक्रम भसीन, नीरज पाठक, अमरजीत सिंह, मुनीश शर्मा, विक्रांत शर्मा, संजीव शर्मा, गोपाल मालपानी, गुरबाज सिंह, संजीव सावरिया, रोहित बहल, अश्विनी शर्मा, गुलशन शर्मा, गौरव कोहली, इंजीनियर किशोर शर्मा, मुकेश चौधरी, हितेश, पंकज, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, बलदेव राज, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, ओमकार सिंह, रॉकी, समीर चोपड़ा, मोहित बहल, यज्ञ दत्त, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रिंस प्रवीण, राजेंद्र सहगल, दीपक, अशोक शर्मा और सुनील जग्गी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की सारे भगतों का बहुत बहुत स्वागत है। अज जिमें हर वीर अपने अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के विच अज बहुत ही अलौकिक और बहुत ही माँ की कृपा के नाल विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिहड़ा सप्ताहिक हवन यज्ञ अगे भी महामाई के दरबार से लगातार चलता आ रहा है वो अज भी किया गया और माँ की कृपा के नाल बहुत दूरों दूरों संगत ने, कोई हिसार तो आई है, कोई कांगड़े तो है संगत, कोई ऊने तो है, कितने कितने का नाम लीए कितने का ना लीए, यह तो जगत जननी की इदा की अपार कृपा है कि वह अपने भगतों के उत्ते जिस तरह कृपा करती है भगत अपने आप ही खिंचया चले आता है। ऐसी जिहड़ी साडी माँ है बहुत ही दयालु है, पितांबरा भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम के हर वीरवार को हर शनिवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता, वीरवार सवेरे 6 बजे तो 7 बजे तक और शनिवार शाम को 7 बजे तो 8 बजे तक हवन यज्ञ का निःशुल्क आयोजन किया जाता। आप भी आओ,
अपने भाई बंधु रिश्तेदार सगे संबंधियों नाल आओ दाती दे दरबार ते आके नतमस्तक हो के अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरो। इस दे नाल नाल मैं होर दसना चाहना कि श्री गणेश जी महाराज जी की स्थापना जिहड़ी है वह रविवार को की जा रही है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक पूजा अर्चना, वीरवार की सवेरे पूजा अर्चना तो उपरांत विसर्जन होए। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी का साप्ताहिक महायज्ञ प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के डीजीपी की ओर से पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते पंजाब पुलिस की ओर से नशा तस्करी खत्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते 5 महीने पहले गुजरात में पकड़ी गई 126 किलो हेरोइन का लिंक अब अमृतसर के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण अमृतसर पुलिस की ओर से गांव भकना में से 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी युगराज सिंह ने बताया कि अमृतसर देहात पुलिस की ओर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पकड़ी गई हेरोइन की खेप के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 किलो हेरोइन और 5 लाख रुपए की ड्रग मनी और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरजंट सिंह और रंजीत सिंह उर्फ राणा के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भकने के एरिए दे विचों जिहड़े आ 2 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया गया, जिन्हां दे कोलों 2 किलो हेरोइन अते लगभग 5 लाख रुपए के करीब ड्रग मनी अते एक स्विफ्ट कार चिट्टे रंग की जी बरामद की गई। सो ये केस जिहड़ा हैगा, ये केस बहुत ही इंपोर्टेंट केस साबित होया, क्योंकि इहदी पुछगिछ दे विच जिहड़ियां चीज़ां अगे खुलासे होए ने वो बहुत अहम ने, और ये जिहड़े तार हैगे ने वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के नाल जुड़ते हैगे। सो अज तो करीब 6 महीने पहला ATS गुजरात की टीम ने जिहड़े द्वारका पोर्ट सी पोर्ट राही जिहड़ा 126 किलो की कंसाइनमेंट जिहड़ी आई सी इंडिया दे विच पाकिस्तान तो, उहदे अगेंस्ट एक FIR दर्ज की सी, जिहदे विच एक फिशरमैन सीगा उत्थे अमीन नाम का एक व्यक्ति जिन्हों अरैसट किया गया सीगा, जिहड़ा 126 किलो हेरोइन पाकिस्तान तो इंडिया दे विच उहने समुंदर दे जरिए लैके आया सीगा। उहदे विच उहदा जिहड़ा लिंक हैगा सी अमीन दा, वो पाकिस्तान बेस्ड एक सिकंदर नाम दा समगलर हैगा आ, जिहड़ा उहने उहनू कंसाइनमेंट जिहड़ी उह भेजी सीगी। सो उहदे अगे कंटीन्यूएशन दे विच साडी टीम ने वर्क किया हैगा, और मैं वधाई दिंदा हां साडी समुची अमृतसर देहाती दी पुलिस टीम नूं, स्पैशली इंस्पैक्टर अमनदीप अते इंस्पैक्टर अजय पाल नूं, के स्पैशल सैल दी टीम ने बहुत वधिया कारगुजारी कीती इहदे विच। नाभा में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इलाका विधायक के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लिया। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि GST लोगों पर बहुत बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा कि GST राज्य स्तर के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए। वहीं हरसिमरत कौर बादल द्वारा आप सरकार पर उठाए गए सवाल की 4 महीनों में आप सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब पर चढ़ा दिया है, इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब को लूट कर खा लिया है और इनके परिवार ने पंजाब का बुरा हाल करके रख दिया है। इनकी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है।
उन्होंने कहा कि आप सरकार पंजाब का कर्ज उतारने में लगी हुई है जो अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब पर चढ़ाया था। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अगे गए सी पटियाले मलेरकोटला अमृतगढ़ असी आने वाला सीजन जोड़ा ये पराली को कि सामना वो वास्ते पराले कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया, सारी सरकार ने फैसला किया कि ऐलक असी पराली को साड़ना नहीं, पराली को जरा जज्ब करना जमीन दे विच वास्ते जेडे खेती ने संबंधित संड है जिन्हें ते ही सबसिडी देने जिन्हें दे सुपर सीडर जरा मेन वोदिया कंपनियों को देख गए। सो आद्या तय किया कि आद्या दे मान जी के दफ्तर आना। देखो अजे 5 महीने हो असी जिन्ने लोग हैं समेत साढ़े मुख्यमंत्री साहब असी सारे पहली बार विधानसभा चुन के आए, पहली बार मंत्री बने, पहली बार मान साहब मुख्यमंत्री बने ने। सो सानू 4-5 महीने लग गए पूरे सिस्टम नू समझदिया सरकार नू समझदिया। अमृतसर के हाल बाजार के नज़दीक एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसमें एक नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो उक्त नौजवान ने अपने घर की छत पर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन उसके दोनों पैर टूटने के कारण वह भाग नहीं सका, जिसके बाद पुलिस की ओर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान नौजवान की पत्नी ने कहा कि जानबूझकर उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी का आरोप है कि ना तो उसके पास से कोई हथियार बरामद हुआ है और ना ही उसके किसी गैंगस्टर्स के साथ संबंध है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर उन्हें तंग परेशान कर रही है। वहीं जब पुलिस अधिकारियों की ओर से उक्त युवक को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस अधिकारियों द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि उक्त नौजवान द्वारा गोलियां चलाई गई हैं जिस कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। की गल रही है, हमें पुलिस 27 जाने आगे जे। की नाम सी इनका दा? रोहित। की काम कर दे ने? फ्रूट दे ही लगा दे है, गेवर रेडियां लग दिया है। उन्हें कोई पिस्टल मिले हो, कोई उन्हें अपना लाइसेंस है? पिस्टल इनका कोल नहीं है, झूठ बोलन दे, पिस्टल पुस्टल कोई नहीं है इनका। उन्हें छाल कत्तो मारी फिर? की इनका को बरामद किया गया वा दसो? नहीं बरामद किया गया वा, एदा ही खोलो पा देंगे मुंह चुक के, जब बरामद जेबो कढ़िया होवे फिर भी मैं मना चाहे उन्हें जान दे। पूछो के हे नु कोई कह तू दा तो डकी नाम पेंजे? मैं उन्हें दी वाइफ है निधि, मेरा नाम ते उन्हें पुलिस तो छाल कत्तो मारी फिर? इन्ने जाने 27 जाने मगर भजन दे, अगले बंदे ने भी मुंड लाईया क्यों मेरे मगर भजन दे? पिस्टल उन्हें दे बरामद है, पूछो भाई नु मुताबिक जेडी नशे दे खिलाफ चलाई गई मुहिम है उनके संबंध में साढ़े पुलिस पार्टी जिसका इंचार्ज एस आई सब इंस्पैक्टर इंद्रजीत पुलिस पार्टी की वो कारमंडी टू पीरानी गली की गड्डिया से आ रही थी। पीरानी गली के कोल दो नौजवान पुलिस पार्टी को देख के गली में भग गए, जो पुलिस पार्टी ने गड्डिया रोक के उन्होंने काबू करने की कोशिश की। करण मेहरे को तो पुलिस पार्टी ने काबू कर ली, जो दूजा रोहित कुमार उस लोधी सीगा वो भज के बिल्डिंग चढ़ गया, उनके मगर पुलिस वाले गए, उन्हें उस कोठे छाल मारती जिसनों दोनों काबू कर लिया। इन्हों की पूछगिछ की, इन्हों की तलाशी की, इन्होंने को 100 ग्राम हीरोइन तो एक देसी पिस्टल देसी 32 बोर का 2 जिंदा कारतूस बरामद होया। इन्हों के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई की जा रही है। इन्हों के फार लिंक जोड़े है फारवर्ड वगैरह सारे गांव विशेष कितने समान लैके आए, कितने बेचन जाना सी, इन्होंने सारा पता किया जाना। प्राचीन दरबार हज़रत बाबा शाह सिकंदर पीर जी का 74वां सालाना मेला व भंडारा 6 से 7 सितंबर तक श्री देवी तालाब मंदिर के पीछे टांडा रोड जालंधर शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी संबंध में दरबार के सेवादार दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात कर उन्हें इस सालाना मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने हेतु निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर दरबार के सेवादारों ने बताया कि 5 सितंबर को रात्रि 8 बजे मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी, जिसके बाद 6 सितंबर को सुबह 8 बजे चिराग रोशन, दोपहर 2 बजे झंडे की रस्म, सायं 5 बजे चादर चढ़ाने की रस्म और रात्रि 9 बजे महफिल कवाली का आयोजन किया जाएगा।
जिसके बाद 7 सितंबर को बाबा रतन शाह की याद में पंजाबी कार्यक्रम एवं नकलों का आयोजन दोपहर 1 बजे किया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं बाबा दर्शी शाह जी सेवादार दरबार बाबा शाह सिकंदर जी का सेवादार सारे इलाका निवासियों और महला निवासियों और सारे जिन्हें भी साढ़े जलंधर शहर वासियों बहुत लख लख वधाई। 74वां सालाना मेला वै भंडारा बाबा शाह सिकंदर जी का बड़ा ही धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। सो आप जी अगे सारी संगतों को है कि बाबा जी के दरबार से 6-7 सितंबर दिन मंगलवार तो बुधवार को बाबा जी के दरबार से पहुँच के बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करो और 2 दिन बाबा जी का टूट लंगर चलेगा और जिन्हें भी संगतान ने बाबा दरबार से पहुँच के उन्हों का आशीर्वाद प्राप्त करो। बाबा शाह सिकंदर जी का सालाना मेला 6 और 7 तरीक न चल रहा है। सारिया संगत अगे बेनती है कि वह हुम हुमा के मेले की रौनक वधान। ये शाह सिकंदर का जो दरबार है ये टांडा रोड से है तो 2 दिन बाबा जी का लंगर चलेगा और कवालियों का प्रोग्राम भी चलेगा पूरी रात। तो मैं शीतल बेद जी का बहुत आभारी हाँ जिहड़ा सानू हर साल बहुत सारा सहयोग देंदे हन। जी मैं शारदा देवी और दरबार बाबा शाह सिकंदर दे उत्ते बड़ा ही धूमधाम नाल मेला लग रहा है 6-7 का और 6-7 नू बाबा जी की चादर की रसम झंडा रसम और लंगर का कवालिया का प्रोग्राम हो रहा और मैं समूह संगत को बेनती करांगी कि सारे बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करो और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ शीतल बेद जी का जिन्होंने हर साल सानू संजोग देंदे ने। जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद पाया काबू। जालंधर के मिशन कंपाउंड में सीवरेज रिपेयर करने गई गाड़ी 4 फुट जमीन में धंसी, लोगों ने निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। गत दिनों पट्टी क्षेत्र में हुई घटना को लेकर मसीही भाईचारे ने आईजी बॉर्डर रेंज के साथ की मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। We'll be right back.